दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की जीते हुए मुकाबले में हार, इन दो खिलाड़ियों की बहुत बड़ी गलती, टीम इंडिया को पड़ी भारी। दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान पहला ओडीआई मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत चुकी थी, लेकिन बाद में इन दो खिलाड़ियों ने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से टीम इंडिया इस मुकाबले को एक विकेट से हार गई। इस मुकाबले में टॉस जीता बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 186 रन बनाए और टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की ओर से श्रेयस अय्यर ने शानदार 24 रन बनाए, रोहित शर्मा 27 रन बनाने के बाद आउट हुए और केएल राहुल ने एक शानदार पारी खेली, 73 रन बनाए, 70 गेंदों का सामना किया। दोस्तों जवाब में हमें टीम इंडिया की ओर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और 140 के अंदर टीम इंडिया बांग्लादेश के 9 खिलाड़ियों को आउट कर चुका था। लेकिन दोस्तों उसके बाद टीम इंडिया के इन दो खिलाड़ियों ने बहुत बड़ी गलती की। पहली गलती जो की वो की केएल राहुल ने, जहां पर उन्होंने मेहंदी हसन का एक आसान कैच छोड़ा और अगली ही गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने भी कैच गिरा दिया, जिसकी वजह से टीम इंडिया इस मुकाबले को एक विकेट से हार गई। दोस्तों बांग्लादेश की पारी की अगर बात करें तो कप्तान लिटन दास ने 41 रन बनाए, मेहंदी हसन ने 38 रन बनाए और शाकिब उल हसन 29 रन बनाने के बाद आउट हुए। उधर इंडिया की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 3, वाशिंगटन सुंदर ने 2 और कुलदीप सैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी तरह बांग्लादेश की ओर से गेंदबाजी करते हुए शाकिब उल हसन ने 5 और इबादत हुसैन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।